नमस्कार, मी नीलम जगताप साबळे। जय महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। भाजप नेते आशिष शेलार यांची पत्रकार परिषद ही सुरू आहे, आपण थेट तिकडे जाऊयात। आज मैं यहां पर मुंबई शहर में मुंबई वासियों के भविष्य की अति आवश्यक इस प्रकार के मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार महानगर पालिका प्रशासन और मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारियों ने किया है, उसकी जानकारी देने के लिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बुलाया है। 6 सितंबर 2020 को मैंने बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखकर यह बताया था कि मुंबई कोस्टल रोड के काम में 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने ये भी उजागर किया था कि इस कोस्टल रोड के काम में जो रिक्लेमेशन के लिए रिक्लेम करने के लिए मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सही नहीं है, और मांग भी की थी कि इसकी एसआईटी के मार्फत इंक्वायरी हो जाए। और मैंने ये आरोप भी किया था कि मुंबई महापालिका पर बैठे हुए सत्ताधारी शिवसेना का इसमें कोई रोल है। तब मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त महोदय ने एक ही दिन में बहुत जल्दबाजी में रिप्लाई कर दिया कि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, ना कुछ गलत हुआ है। आशिष शेलार यांची पत्रकार परिषद ही सुरू आहे। कोस्टल रोड बांधकाम सल्लागारांना कोट्यवधी का वाटले असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केलाय। तर बीएमसीने सल्लागारांना 600 कोटी का दिले असा गंभीर आरोप करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय।